मनीष कश्यप जो दिखाया तो उनको लग गया कि हमारे साथ में कुछ गलत कर रहा है, अब हम उनको अंदर घुसा दें। इसके लिए उनको अंदर घुसा दिया हम सत्ता में आवे 2024 में, लेकिन 2024 में तेजस्वी नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री में अगर देखना चाहते हैं तो हम मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं। क्यों बिहार के मजदूर तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं? अगर कोई बिहार का मजदूर गैर राज्यों में पीटा जा रहा है तो ये शर्म नीतीश कुमार जी को आनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी को आनी चाहिए। इसके लिए मैं वहाँ के स्थानीय तमिलों को दोषी नहीं ठहरा था। आप यहाँ रोजगार दीजिए, फिर क्यों जाएंगे बिहारी मजदूर? यहाँ सरकार का एक ही पॉलिसी है, नौकरी जमीन लाओ नौकरी ले जाओ, सरकार का यही पॉलिसी है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है, चाहे नीतीश बाबू हुए चाहे लालू यादव का बेटा हुआ। आपको ही पता है कि चारा घोटाला कितना का घोटाला हुआ था। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद पशुओं का चारा हजम कर गए, वो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने घोटाला किया है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। देखिए, सुबह से ही बिहार की सड़कों पर ऐसे ही आपको जो है चौराहों चौराहों पर प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। अभी हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी है, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पप्पी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बांका जिला के रहने वाले हैं, भागलपुर से आगे 40 किलोमीटर दूरी पड़ता है। क्यों आए यहाँ पर मनीष कश्यप? मनीष कश्यप के लिए आए कि मनीष कश्यप को रिहा करना है, उसके लिए हम आए हैं। उसीलिए हम आंदोलन किए हैं और करना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ा तब तक करेंगे। हम सभी जनता लोग से, सभी भाई लोग से यही विनती है बार बार कि उनके लिए अगर छोड़ाना है तो छोड़ाना है। उन पर आरोप ये लगा कि तमिलनाडु में जाकर उन्होंने भ्रमित जो है करने का प्रयास किया, गलत वीडियो चलाया। गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। उसने जाकर राजनीति किया है ना, ये राजनीतिक नहीं चलने वाला। केक काट के आया है उसके साथ, वहाँ राजनीति खेला है कि मजदूरों के साथ ऐसा हो कि हम आगे चल के सत्ता में फिर आए। ये चीज़ को मनीष यह दिखाया गया है तो मनीष कश्यप जो दिखाया तो उनको लग गया कि हमारे साथ में कुछ गलत कर रहा है, अब हम उनको अंदर घुसा दें। इसके लिए उनको अंदर घुसा दिया हम सत्ता में आवे 2024 में, लेकिन 2024 में तेजस्वी नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री में अगर देखना चाहते तो हम मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं। मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भी देखना चाहता हूँ, उनके जैसा आजाद बिहार में सुधार हो जाएगा, कई फैक्ट्रियाँ खुल जाएगा, कई मिल खुल जाएगा, मजदूर का रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जब तक नीतीश कुमार रहे या तेजस्वी यादव रहेगा चोर, कभी भी नहीं होगा। इसके लिए कभी बिहार सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये तो जंगल राज बना रखे हैं। पहले क्या होता था, एकदम पूरा जंगल रह रहा था, और तो अब हो गया, अधिक से ज़्यादा कर दिए हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री में देखना चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ही होगा, मनीष भैया जिंदाबाद। इसके अलावा बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसकी भी सभी दल तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन कोई भी कुछ कर ले, किसी का कुछ नहीं होगा। हो जिसका बनना है बनेगा, आपका मनीष कश्यप का ही कुछ बनेगा। इसका राज नहीं आएगा जंगल राज का, ये मेरा कहना है। प्रधानमंत्री के लिए किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए देखिए, जो आएगा उसके लिए आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री में जो ये ख्वाब देख रखा दोनों कभी नहीं आएगा। इसको सत्ता तोड़ के जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ऐसा भागेगा यहाँ से कि फिर दोबारा राजनीतिक में नजर नहीं आएगा, यह हम सबका कहना। इतना पब्लिक लोग हैं ना सब। संघर्ष कितने दिनों तक और चलेगा? संघर्ष जब तक मनीष सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा, मनीष के सबको, तब तक चलेगा संघर्ष और चलते रहेगा। आज का दिन बहुत अच्छा दिन हुई है, इसीलिए ऐसी आंदोलन रखा गया है, इसलिए कहना मनीष भैया जिंदाबाद। बिहार के अलग अलग जिलों में इस समय प्रदर्शन चल रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में। लगातार सुबह से ही ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, तमाम स्टूडेंट, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं मनीष कश्यप के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए हैं उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही पटने के रहने वाले हैं। अच्छा, आज आए हैं मनीष कश्यप के आप समर्थन में, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि हम मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और जो मगध यूनिवर्सिटी का जो सेशन था, आपको 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन फाइनल कर देता है। आज उन्हीं का दिन है कि VC को भी हटाया गया और टाइम से एग्जाम भी ले रहा है मनीष कश्यप की वजह से। हाँ जी जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से आज जो है स्टूडेंट को सही से एग्जाम हो रहा है, आप बिल्कुल सही तरीका से एग्जाम हो रहा है यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहे हैं, फेक वीडियो उन्होंने वहां पर जाकर के चलाया, इसलिए सरकार, राज्य सरकार एक्शन ले रही है। देखिए, सरकार का ये बहुत बड़ा गंदा पॉलिसी है, क्योंकि सरकार का जो है उनका पोल एक्सपोज किए हैं। हर जैसे मान के चलिए सिविल इंजीनियर थे, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरा दुनिया को पता है, उनका रोड बन रहा था, सिविल इंजीनियर थे, रोड में जो है रोड का मात्रा जो है उसमें कंक्रीट ज़्यादा था, उसमें हॉस्पिटल के जाके देखिए, बिहार का हॉस्पिटल का हाल देखिएगा, हर कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी जिला का हो, वहाँ मरीज मर रहा है दवा के बिना, लेकिन दवा उसको नहीं मिल रहा है उसको। जाइए आप स्कूल में जाइए कॉलेज में जाइए, वहाँ टीचर को पैसा मिल रहा है, प्रोफेसर को पैसा मिल रहा है,
लड़का क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं बनता है। आके ऑफिस में जाके देखिए तो हाँ गपास्टिंग हो रहा है, लेकिन कोई विद्यार्थी को देखने वाला नहीं है। यही चीज़ जो दिखाएं जिसके कारण जो है सरकार की नज़र में आ गए, और सरकार को क्या एक मुद्दा चाहिए था, जो मुद्दा मिला उसी में इनको एथी कर दिया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो साथ में नौकरी के बदले जमीन घोटाला का पूरा प्रकरण चल रहा है उसको दबाने के लिए ये जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल किया जा रहा है। अभी हम लोग का दरोगा का अभी जस्ट हुआ था, मेरिट बना है, उसमें समझिए कि एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद एग्जाम पीरियड में ही क्वेश्चन वायरल हो गया, 2 घंटा पहले वायरल हो गया था। अब बताइए, आप ही बताइए, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर फैमिली जिसको बोला जाता है, लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ माँ बाप कैसा हूँ 2 पैसा इकट्ठा करके हम लोग यहाँ भेजा है पटना पढ़ने के लिए। और जो लड़का रईसों अमीर ज़्यादा का बेटा है वो कहीं पढ़ा नहीं, और वो बढ़ जा रहा है आपको डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, दरोगा बन जा रहा है, DSC बन जा रहा है, और हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो गार्जियन दे नहीं सकता है, कैसे भी हम लोग पढ़ा दे रहा है वही बहुत है। अब बताइए हम लोग क्या किस बेरोजगारी का मार खा रहे हैं हम लोग, और सरकार को दिख नहीं रहा, सरकार को पैसा चाहिए। यहाँ सरकार का एक ही पॉलिसी है, नौकरी जमीन लाओ नौकरी ले जाओ, सरकार का यही पॉलिसी है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है, चाहे नीतीश बाबू हुए चाहे लालू यादव का बेटा हुआ। आपको ही पता है कि चारा घोटाला कितना का घोटाला हुआ था, अभी जो हुआ है आपको 600 करोड़ का जो घोटाला हुआ है आपको ही पता। इस पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ED का CBI से उनको अरेस्ट करवाना चाहिए। उनपे सर आया था, उनको गए नहीं कहते तेजस्वी यादव की मेरी पत्नी बीमार है, ख्याल रखना उनका। ये सब समझिए कि सब गुमलाबाजी है, जुमलाबाजी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। बस मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष सर क्या नाम है आप? सर मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और मैं मूल रूप से छपरा का हूँ, वहीं से आया हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और इस चैनल के माध्यम से एक प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं छपरा से हूँ, वहाँ पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय है जो तेजस्वी जी के पिता श्री लालू यादव जी द्वारा ही स्थापित है 96 में, और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक यानी तकरीबन 26-27 साल से वहाँ पर स्नातक की डिग्री 3 साल के बदले 6 साल में दी जाती है। इस मुद्दे पर आज तक वहाँ के स्थानीय सांसद विधायक लोगों के द्वारा कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया गया। छपरा सिवान गोपालगंज को मिला के 4 सांसद हैं और तकरीबन 50 विधायक हैं, आज तक किसी ने इस प्रमुख बिंदु पर आवाज़ नहीं उठाया। हाल ही में 1 महीना पहले मनीष कश्यप को वहाँ के स्थानीय छात्रों ने विश्वविद्यालय में सीनेट की मीटिंग में बुलाया था कि आप इस पर कुछ बोलिए, तो जब मनीष कश्यप भी वहाँ गए उन्होंने वहाँ के वाइस चांसलर और तमाम अधिकारियों से जो सीनेट की मीटिंग में बैठे हुए थे वहाँ जा करके जब उन्होंने इस सवाल को उठाया कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, सरकार आपको वेतन देती है बावजूद आप विद्यार्थियों को सही समय पर रिजल्ट नहीं देते, सही समय पर उनका एग्ज़ाम नहीं लेते, 3 साल की डिग्री को 6 साल में देते हैं, तो इससे तो हमारे बिहार का भविष्य अधर में पड़ जाएगा, विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बस फिर क्या, वहाँ के वाइस चांसलर और उनके अधिकारी सिक्योरिटी उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि कोई दूसरे जिला का लड़का आ करके हमारे जिले में छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाता है, और वैसे आवाज़ को सरकार, भ्रष्ट सरकार, सत्ता शासन प्रशासन सब मिल करके दबाने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अगर उन्हें राजनीति में आना होता तो वो आ जाते, वो क्यों मीडिया में आए? सच को आप देखेंगे हमारे देश में कॉरपोरेट मीडिया, पंचायत स्तर, ब्लॉक, अंचल, आंगनबाड़ी, इनमें जो भ्रष्टाचार है, उनमें जो अनियमितता है, जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर कॉरपोरेट मीडिया का कोई ध्यान नहीं है। भाई वो तो बंद AC कमरे में, AC स्टूडियो में डिबेट करते हैं, जबकि धरातल स्तर की समस्याओं पर आवाज़ उठाने का काम मनीष कश्यप जी करते थे। अगर उन्हें लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, अरे भैया जब उन्हें पैसे की लालच होती ना तो बंदा BTEC है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके 20-25 लाख के पैकेज पर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन क्या ज़रूरत थी उसे गांव में, सड़कों पर, बस्तियों में जाकर गरीब, दबे, पिछड़े, कुचले, असहाय, दलित लोगों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते थे। मनीष कश्यप किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते थे, वो पूरे बिहार के छात्रों और मजदूरों को, कोरोना पीरियड में हजारों लाखों मजदूर वापस आए थे लॉकडाउन के दरमियान, तब हमारी बिहार सरकार ने एक मुहिम शुरू की थी स्किल मैपिंग, कहाँ गया वो स्किल मैपिंग? फिर क्यों बिहार के मजदूर तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं? अगर कोई बिहार का मजदूर गैर राज्यों में पीटा जा रहा है तो ये शर्म नीतीश कुमार जी को आनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी को आनी चाहिए। इसके लिए मैं वहाँ के स्थानीय तमिलों को दोषी नहीं ठहरा था, आप यहाँ रोजगार दीजिए, फिर क्यों जाएंगे बिहारी मजदूर? आज आप बिहार में देख लीजिए कोई गैर राज्य का मजदूर नहीं दिखेगा, लेकिन कश्मीर से लेकर के केरल तक आपको हर जगह हर जिले में बिहारी मजदूर ईंट पत्थर ढोते हुए मिल जाएंगे।
भाई ये चाणक्य की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, और यहाँ के मजदूर बाहर जाके रोजी रोटी के लिए, शर्म की बात है सत्संग के लिए, राजनेताओं के लिए। आपने कुछ नहीं किया पिछले 32 सालों में, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। गैर राज्यों को ब्लेम देना बंद करें हमारे शासक। वहीं आपने जो जिक्र किया जो पैसों का, कुछ महीने पहले मनीष कश्यप का इस पे स्टेटमेंट भी सामने आया था कि जो मैं ऑनलाइन करता हूँ, जो एड्स उसमें जनरेट होती हैं, उससे 10 लाख रुपया महीने तक का इनकम आता है, और कहीं ना कहीं भी इसको खान सर को भी साथ में जोड़ा जा रहा है, उनके अब उनको भी जो है टारगेट बनाया। जाँच कर लीजिए ना, आपके पास एजेंसी है, जाँच एजेंसी है, जाँच कर लीजिए। मनीष कश्यप के जो भी अमाउंट है उनके अकाउंट में, जो भी पैसे हैं, वो पशुपालन घोटाले का शेयर नहीं है, वो उनके मेहनत, उनकी काबिलियत, उनके स्किल से उनके मार्केटिंग स्किल से कमाए हुए पैसे हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। ये कोई घोटाले की राशि नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद पशुओं का चारा हजम कर गए, वो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने घोटाला किया है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। तक ये संघर्ष आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा संघर्ष करते रहेंगे, कल को आपकी भी आवाज़ को कैद किया जा सकता है। मनीष, ये सिर्फ मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं है, ये मीडिया का पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। क्या फायदा हमारे मौलिक अधिकार का जब हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। बंद कीजिए ये संविधान का ड्रामा। मनीष कश्यप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया के एक मजबूत स्तंभ थे बिहार में। आज बिहार के किसी कोने में जाइए, किसी कॉरपोरेट पत्रकार का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मनीष कश्यप का नाम जानता होगा। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये मनीष कश्यप के फंडिंग किए हुए लोग नहीं हैं, ये उसके समर्थन में आए हैं। मैं 100 किलोमीटर दूर से ऑफिस से छुट्टी लेकर के आया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। मैंने मनीष कश्यप को आज तक कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, पर मैंने उनकी आवाज़ को सुना है, उनकी आवाज़ में सच्चाई मुझे नज़र आती है, इसलिए मैं उनके समर्थन में आया हूँ। और मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा जो राष्ट्रहित में आवाज उठाएगा, जो मानवता के लिए आवाज उठाएगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो यार, लाठियां सीने पर गिरे, हड्डियां टूटे, खून बहे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे दादे परदादा आजादी के लिए कुर्बान हुए हैं, हम भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर कुर्बान हो जाएंगे, इसमें नई बात क्या है? डरने की क्या बात है? बंद करो हमें भी, हम भी जेल जाने को तैयार है यार। जी शहीद आजम भगत सिंह को फांसी, शहीद आजम, हमारी असली श्रद्धांजलि शहीद आजम जी के प्रति यही है कि हम मनीष कश्यप की आवाज बने, यही शहीद आजम के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है 23 मार्च को। एक लास्ट छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा, क्या ये ऐसे देखा जा रहा है कि पर्सनल ग्रज कहीं ना कहीं निकाली जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो बिहार में एक जातिवाद राजनीति थी उसको उन्होंने जो है साइडलाइन किया और बिहार की जो मूल भूत जो यहां पर समस्याएं हैं उसको उठाने का काम किया। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए ना, मनीष कश्यप अपने नाम में हमेशा सन ऑफ बिहार लिखते हैं, सन ऑफ बिहार। आज तक कभी किसी नेता या किसी भी शख्सियत ने अपने नाम के साथ ये संज्ञा नहीं लगाई है, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मनीष कश्यप के परिवारजनों को, जिन्होंने मनीष कश्यप के अंदर ऐसा संस्कार डाला कि वो पूरे बिहारियों की आवाज़ उठाते हैं। वरना राजनीतिक दल तो एक जाति विशेष को लेकर के चलते हैं, आप बिहार के सारे राजनीतिक पार्टियों को देख लीजिए, सब एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। उस जाति के जो सक्षम सशक्त लोग हैं उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कर लिया और एक तुष्टिकरण की नीति अपना ली कि पहले इन्हें गोलबंद करो। मनीष कश्यप तो ऐसा नहीं कर रहे थे, मनीष कश्यप तो छात्रों और मजदूरों के हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। छात्र और मजदूर की भी कोई जाति होती है क्या? नहीं, छात्र मजदूर की कोई जाति नहीं है।